रोनाल्डो वर्सेस मेसी, हु इज द बेस्ट, एक ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से फुटबॉल फैंस में हमेशा बहस होती रहती है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के हर एक चीज को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स सी हु इज द बेस्ट। अब इन सब पे बात नहीं करते कि रोनाल्डो किसके साथ खेलते हैं, मेसी किसके साथ खेलते हैं, दोनों कहां से आए हैं, कितनी मुश्किलें सही है, रोनाल्डो की कहानी क्या है या मेसी की कहानी क्या है, वगैरह वगैरह, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी इन दोनों के लाइफ के जर्नी पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है जिसे अब तक 60 से 70 लाख लोग देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना, मोटिवेशन की आग लग जाएगी। पर हाँ, उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शायद यहाँ आपको रोनाल्डो वर्सेस मेसी हु इज द बेस्ट का जवाब मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 311 मिलियन फॉलोअर्स है और एक ब्रांड पोस्ट के लिए ये बंदा 12 करोड़ रुपए चार्ज करता है। वहीं मेसी के इंस्टाग्राम पर 227 मिलियन फॉलोअर्स है और वो एक ब्रांड पोस्ट के लिए 8.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। है ना शॉकिंग। अगर हम बात करें क्लब गोल्स की तो रोनाल्डो ने मेसी से ज्यादा गोल्स मारे हैं। रोनाल्डो ने 674 तो मेसी ने 672 गोल्स मारे हैं, यानी कि मेसी ने रोनाल्डो से 2 गोल्स कम मारे हैं। पर इसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि मेसी रोनाल्डो से पूरे 2 सीजन कम खेले हैं। अगर बात करें क्लब असिस्ट की तो यहाँ मेसी को गेम मेकर माना जाता है, उनमें वो स्किल्स है गोल्स क्रिएट करने के, फिर चाहे वो खुद उससे स्कोर करे या कोई और। इसीलिए इस स्टैट में क्लियर विनर है मेसी, जिसने 226 गोल्स असिस्ट किए हैं और रोनाल्डो ने 139। चैंपियंस लीग में 2020 से 2021 तक रोनाल्डो के 176 अपीयरेंसेस में 134 गोल्स हैं, जिससे उनका गोल्स पर गेम रेशो है 0.76, और मेसी ने 149 अपीयरेंसेस में 120 गोल्स किए हैं जिसमें गोल्स पर गेम रेशो है 0.81। अगर बात करें नेशनल विंस की तो रोनाल्डो ने पुर्तगाल टीम को कैप्टन किया है और 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीती है। वहीं दूसरी ओर मेसी ने 2005 में अंडर-20 वर्ल्ड कप और 2008 में अर्जेंटीना टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल लेवल पर रोनाल्डो के 103 गोल्स हैं और मेसी इस मुकाबले में 71 इंटरनेशनल गोल्स के साथ काफी पीछे है। लीग टाइटल्स में मेसी के विंस कई ज्यादा है, पर भले ही रोनाल्डो के टाइटल्स कम हो पर उन्होंने ये टाइटल्स मल्टीपल क्लब्स और रीजन में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 क्लब्स के साथ खेला है और वो एक यूनिक कैपेबिलिटी है अलग अलग टीम्स एंड रीजन में जाके जीतना। दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि भले ही हम इन दोनों प्लेयर्स को एक लेवल पर लाकर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों के प्लेइंग स्टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट है। 6.2 फीट के लंबे चौड़े रोनाल्डो की सिग्नेचर मूव्स है स्टेप ओवर्स एंड द रोनाल्डो चॉप, और वो अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड, फिनिशिंग एबिलिटी, पावरफुल लॉन्ग शॉट्स एंड लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, रोनाल्डो अपने डेडिकेशन की वजह से भी काफी लाइमलाइट में रहते हैं, फर्स्ट ऑन द फील्ड एंड लास्ट टू लीव। दूसरी ओर 5 फीट 7 इंच के छोटे कद वाले लेफ्ट फुटेड लियोनेल मेसी अपनी स्ट्रेंथ की जगह अपनी स्मार्टनेस और गेम प्ले बनाने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। ये डिफेंस की पूरी लाइन को अपनी ड्रिबलिंग स्किल से क्रॉस करके ऐसा पास क्रिएट करते हैं जो किसी ने सोचा भी ना हो। इन शॉर्ट, मेसी गेम को कंट्रोल करते हैं। इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ दोनों प्लेयर्स की टक्कर बराबर की है। रोनाल्डो के पास 5 बैलेंडोर अवार्ड्स है तो मेसी के पास 6 बैलेंडोर अवार्ड्स है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर के रोनाल्डो के पास 2 अवार्ड्स है और मेसी के पास 1 अवार्ड है। रोनाल्डो के पास 4 यूरोपियन गोल्ड शू है तो मेसी के पास 6 है। और लीग प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल रोनाल्डो ने 4 बार जीता है तो मेसी ने 6 बार जीता है। चलो, अब अवार्ड, गोल्स वगैरह के बारे में तो बहुत बात कर लिया, अब बात करते हैं मनी भाई के बारे में, यानी कि नेटवर्थ की। हाईएस्ट पेड फुटबॉलर्स की लिस्ट में मेसी नंबर 1 पर आते हैं। उनको उनके क्लब से 127 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, तो रोनाल्डो नंबर 2 पे आते हैं और उनको 117 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं। पर अपने बिजनेसेस और एंडोर्समेंट की वजह से रोनाल्डो की नेटवर्थ 2021 में 500 मिलियन डॉलर्स है और मेसी की 400 मिलियन डॉलर्स। इंडिविजुअल लेवल पर दोनों का भी बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा है। रोनाल्डो पोर्तुगाल में 2 लग्जरी होटल्स को ओन करते हैं और साथ ही उनका खुद का फैशन ब्रांड CR7 भी रन करते हैं। वहीं पर मेसी का भी खुद का क्लोथिंग ब्रांड है, द मेसी स्टोर के नाम से। इनके 3 लग्जरी होटल्स और जैकोब एंड कंपनी नाम के वॉचलाइन को भी ये ओन करते हैं। अगर बात करें ब्रांड एंडोर्समेंट की तो रोनाल्डो क्लियर हेयर केयर, नाइकी, अल्टिस, डैजन, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, हर्बालाइफ, MTG जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, तो मेसी एडिडास, लेज, मास्टर कार्ड, पेप्सी, हुआई इन ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो और मेसी दोनों की भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और दोनों भी फुटबॉल के स्टार प्लेयर्स है। खास बात तो यह है कि दोनों ने भी 0 से शुरुआत की है और कई मुसीबतों से निपटने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और खुद का एम्पायर बनाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी कामयाबी रातों रात नहीं आती, पर कई रातों की मेहनत रंग जरूर लाती है। इसलिए मेहनत करते रहो और अपने रिकॉर्ड्स तोड़ते रहो।
दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो देखने के बाद मैं तो कंफ्यूज हूँ कि किसे बेस्ट कहा जाए, पर आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताना। और अगला कंपैरिजन वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं वो भी मेंशन करना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।